स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आरसीए एजुकेशन हब ऑनलाइन क्लासेज। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। टेंस की जानकारी होना हमें बहुत जरूरी है। टेंस के माध्यम से हम हिंदी से इंग्लिश आसानी से बना सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन, लेटर या स्टोरी लिखते हैं तो हमें आसानी होती है। अब हम बात करते हैं आगे टेंस की डेफिनेशन की। टेंस की डेफिनेशन होती है किसी कार्य को करने पर कार्य के होने के समय का पता चले उसे टेंस कहते हैं। किसी कार्य को करने पर कार्य के होने के समय का पता चले उसे टेंस कहते हैं। आपने वो कार्य कब किया है या किस समय में किया है या आप वो कार्य कब करने वाले हैं, कार्य को करने के समय का पता होना ही क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। आपने वो कार्य कब किया है या किस समय में किया है या आप वो कार्य कब करने वाले हैं, कार्य को करने के समय का होना ही क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। आगे बात करते हैं हम टेंस के टाइप। टेंस के टाइप, टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा टेंस होता है पास्ट टेंस। जिसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। तीसरा टेंस होता है फ्यूचर टेंस। जिसको हिंदी में बोलते हैं भविष्यकाल। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा टेंस होता है पास्ट टेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। तीसरा टेंस होता है फ्यूचर टेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं भविष्यकाल। डियर स्टूडेंट्स, अब इन तीनों ही टेंसों को चार उपभागों में विभाजित किया गया है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, तीनों ही टेंसों को चार उपभागों में विभाजित किया गया है। पहला इंडेफिनेट। इसको हम सिंपल भी बोल सकते हैं। दूसरा है कंटिन्यूअस। तीसरा परफेक्ट। चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। चार उपभागों में विभाजित किया। पहला इंडेफिनेट या सिंपल, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल टेंस,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चार टेंस हो गए। उसी प्रकार पास्ट टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार टेंस के 12 रूप होते हैं। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस सबसे पहले हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान पता होना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान क्या होती है। इसकी पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, अंत में ता है, ती है, ते है या ता हूं आदि शब्द आए, वह वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता है। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है या ता हूं आदि शब्द आए, वह वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता है। एक बात और ध्यान रखनी है, आने वाला ता है, ती है, ते है क्रिया के अंत में होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, प्रत्येक टेंस में सेंटेंस चलते हैं। सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव चौथा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। प्रत्येक टेंस में सेंटेंस चलते हैं। सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जैसे वह आम खाता है, क्या क्रिया कर रहा है, खाने की क्रिया कर रहा है और वर्ब के अंत में आ रहा है ता है, तो हम पहचान जाएंगे कि यह एक प्रेजेंट सिंपल टेंस है। यदि वाक्य में आ जाए वह आम नहीं खाता है तो यह एक नेगेटिव सेंटेंस है। यदि वाक्य में आए क्या वह आम खाता है तो यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और अंत में क्वेश्चन मार्क दिया होगा। यदि वाक्य में आए क्या वह आम नहीं खाता है और अंत में क्या दिया होगा क्वेश्चन मार्क, तो यह हो जाएगा एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। धन्यवाद, आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे।